हेलो फ्रेंड्स, सानवी की रसोई हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज की मेरी रेसिपी है जो बहुत ही हेल्दी है, वो है अमरूद की चटनी। आपने चटनी तो कई प्रकार की खाई होगी और अमरूद की कई रेसिपी खाई होगी, लेकिन आज मैं अमरूद की चटनी बनाना बताऊंगी जो बहुत ही इजी और कम समय में, 2 मिनट में भी नहीं लगता है टाइम, बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, 4 से 5 हमने हरी मिर्च ले ली है, 1 लहसुन ले ली है, 1 नींबू, 1 अमरूद और थोड़ा सा धनिया का पत्ता। और अमरूद जो है उसको हम इस तरीके से गैस पे पका लेंगे। आप चाहे तो कच्चा भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो पका कर बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट और डबल हो जाता है, अच्छा लगता है। इसी के साथ हम लहसुन भी इसी पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, पका लेंगे। तो दाने छुड़ा के लहसुन पकाएंगे, इससे क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो देखिए, अमरूद जो है अच्छे से पक चुका है, हम गैस की बंद कर देंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो धनिया का पत्ता काट लिया है, उसको पहले डालेंगे। और उसके बाद हम अमरूद जो है इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, जिससे इजीली ये पीस जाए। इसका जो बीज है ना वो भी अच्छे से ग्राइंड होना चाहिए। अब हम इसमें अमरूद की जो स्लाइसेस कट करके रखी है वो डाल दिया है, और लहसुन जो हमने भून के रखा था वो भी डाल दिया है। हरी मिर्च आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो और ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। थोड़ा सा ही हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, नहीं तो चटनी जो है ना बहुत पतली बनेगी, इसलिए पानी कम डालें। और इसको पीस लिया है तो देखिए बिल्कुल फाइन चॉप हो चुका है इसकी। तो चलिए, अब मैं इसको बाउल में पलट लेती हूँ। तो आप इस पे चाहे तो 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, सरसों तेल। अब इसमें आधा कटा हुआ नींबू का जूस डालेंगे, 1 चम्मच लेमन जूस। चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसको ब्रेड के साथ खाएं या पराठे के साथ, क्योंकि विंटर सीजन है अभी, तो साग के पराठे ज़्यादातर बनते हैं, उसके साथ ये चटनी बन खाएं। अगर ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।